यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 159 समझौतों पर एमओयू साइन हुआ, उस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज हमने 158 एमओयू साइन किए, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 17,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का स्कोप इन एमओयूज के माध्यम से बन रहा है, और जो इंप्लॉयमेंट की बात है लगभग 40,000 लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होने का इसमें प्रावधान निकल रहा है। और जो एमओयूज हुए हैं, हमारी कोशिश है कि अभी लोकसभा के चुनाव के बाद सारी औपचारिकताएं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, जिनके एमओयूज आज हुए हैं, उनकी पूरी करके हम उनको जमीन पर खड़ा कर सके, ग्राउंड ब्रेकिंग हो सके, उस बात को लेकर के हमारी कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहां विकास को गति देने में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम सफलता हासिल करेंगे, वही मुझे लगता है कि कुछ नए इनिशिएटिव के साथ नई डेस्टिनेशंस हमको देखने को मिलेंगी, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे वो दूसरा इन्वेस्टमेंट का दूसरा सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और आने वाले समय में जब इन्वेस्टर्स मीट होगी हमारी, मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि उसमें और भी एमओयूज भी होंगे और उसके साथ बहुत और लोग भी हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित होंगे। 158 एमओयू साइन हुए हैं, मैंने जिक्र किया कि 17,000 करोड़ रुपए की लगभग इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट हुई है, और उसके बाद 40,000 की जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का स्कोप निकल आ रहा है।